students, today I am going to teach computer chapter 3 introduction to pivot animator. We have already discussed about starting pivot animator, how to start the pivot animator, what are the stick figures, what are the components of pivot animator window. So today I am going to teach inserting stick figures. Okay, let's start. You will find some ready-made stick figures in pivot animator. You can use these figures to create your animations. Means हमें बहुत से ready-made figures भी होते हैं जो pivot animator में मिल जाते हैं and हम इन figures को use करते हैं किस चीज़ के लिए, animations में create करने के लिए. However, you need to load these figures before you can use them. Once loaded, they can be added to the to a frame. As a frame area already has a figure, it first needs to be cleared. है ना, frame area already has a figure. Frame area जो है वो एक आपका already एक figure, तो firstly इसको क्या करना पड़ता है, it first needs to be cleared. Means clear करना रहता है. To clear the frame area, अगर firstly हमें clear करना है frame area, तो उसके भी steps होते हैं. Step one, click on the orange dot. ऑलरेडी ये मेड रहता है, तो फर्स्टली हम इस पर किस पे क्लिक करेंगे, ऑरेंज डॉट पे. ये देखिए ऑरेंज डॉट. ओके, और क्लिक द ऑरेंज डॉट जिसे हम ओरिजिन हैंडल बोलते हैं, ऑन द फिगर एज शोन इन फिगर 3.4, दिस वन. देन ऑन द लेफ्ट पेन फ्रॉम द फिगर कंट्रोल ग्रुप क्लिक ऑन द डिलीट फिगर आइकन एज शोन इन फिगर 3.5. द फिगर डिसअपियर्स. अगर हमें फ्रेम एरिया से इस फिगर को क्लियर करना है, तो फर्स्टली हम इस ऑरेंज डॉट पे क्लियर करेंगे. देन ऑन द लेफ्ट पेन, लेफ्ट साइड जाके फ्रॉम द फिगर कंट्रोल ग्रुप से पे क्लिक करके, क्लिक किस पे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें हमारा एक ऑप्शन होगा डिलीट फिगर का. देन वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ओके, दिस आइकन, ओके. देन द फिगर डिसअपियर, तब आपका यहाँ से जो फिगर होगा वो डिसअपियर मीन्स हट जाएगा. अप टू लोड द फिगर, व्हेन वी वांट टू लोड द फिगर, सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लोडिंग द फिगर, लेट्स डिस्कस. क्लिक ऑन द फाइल टैब. फर्स्टली यू क्लिक ऑन द फाइल टैब. द फाइल मेन्यू अपीयर इज शोन इन फिगर 3.6. फर्स्टली हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, जो हमारे ऊपर टेक्स्ट बार में आता है, तो फिर हमारे पास कौन सी फिगर शो कर आएगी, फाइल मेन्यू. ओके, लोड फिगर टाइप, ये देखिए. देन क्लिक ऑन द लोड फिगर टाइप ऑप्शन. देन हम इस फाइल मेन्यू से किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लोड फिगर टाइप पर. ओके, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. देन दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. ओपन डायलॉग बॉक्स, इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा. क्लिक द डिजायर्ड स्टिक फिगर. देन वी क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्टिक फिगर, जो हमें स्टिक फिगर चाहिए. अ प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड फिगर टाइप्स अपीयर्स ऑन द राइट पेन एज शोन इन फिगर 3.8. देन दिस टाइप ऑफ स्टिक फिगर वी शोन इन द राइट साइड. प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड फिगर टाइप. द क्लिक ऑन द ओपन बटन. देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. द सिलेक्टेड फिगर अपीयर्स ऑन द फ्रेम एरिया एज शोन इन फिगर 3.9. अब हमें जैसे हम लोगों ने ये फिगर को सिलेक्ट किया, आफ्टर सेलेक्टिंग दिस फिगर वी क्लिक ऑन द व्हेन वी क्लिक ऑन द ओपन बटन, देन दिस फिगर विल अपीयर ऑन द फ्रेम एरिया. देन हमारा जो सिलेक्टेड फिगर है, जो फिगर हमने सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पर फिगर लोड हो जाएगा. मीन्स जो भी फिगर हमें लोड करना था, वो यहाँ पर फिगर लोड होकर फ्रेम एरिया पर आ जाएगा. जस्ट सी इन दिस विंडो फिगर 3.9, फिगर लोडेड इन द फ्रेम एरिया. ओके, सो टुडे वी लर्न दैट हाउ टू इंसर्ट द फिगर, हाउ टू इंसर्ट द स्टिक फिगर्स, हाउ टू क्लियर द फ्रेम एरिया. कैसे हम फ्रेम एरिया को, अगर हमें क्लियर करना है, तो कैसे क्लियर कर सकते हैं, एंड हाउ टू लोड द फिगर. एंड देन आफ्टर, अगर हमें फिगर को लोड करना है उस फ्रेम एरिया पर, तो कैसे फिगर को लोड करेंगे, ये स्टेप्स हमने आज उनके पढ़े. प्लीज़ गो थ्रू अगेन दिस स्टेप्स, सो यू कैन मोर क्लियरली अंडरस्टैंड द स्टेप्स. थैंक यू.